हम लोग पहुंच चुके हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस और हमारी ट्रेन भी लग चुकी है, बस जा रहे हैं अपनी ट्रेन के लिए। और ये टर्मिनस मैं 3 साल के बाद आ रही हूँ, इससे मुझे बहुत बदला लग रहा है और ये कुछ न्यू सा हो गया है। जू ए शोनी, क्या हो गया, एडजस्ट हो जाओ पापा। अब मोइजू अपनी जगह ढूंढ रही है बेड के नीचे। बज गए 5, हो गया टाइम हमारी चाय का, वो इसको हम लोग चाय नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारी कुल्हड़ की चाय चालू है और डैडा ने तो पीना भी चालू कर दिया है। वहाँ पे हमसू है, यहाँ पे दादी हैं। हम लोग कहाँ हैं भाई? ये हम आ चुके हैं अपने प्रयागराज स्टेशन पे और इसे हमारे कुली लोग लेके जा रहे हैं। मेरा भाई कुली बना है आगे और अब यहाँ से हमें 2 आवर्स लगेंगे। सो यस, दिस इज द व्यू और शदीद तरीन गर्मी है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे घर की साफ सफाई चल रही है, अभी हो रहे हैं अराउंड 5:30 और ये आते साथ पूरा घर गंदा सा था। और गांव के घरों में सबसे अच्छी बात है कि इसे हम वॉश कर सकते हैं, तो पूरा घर वॉश कर दे रहे हैं। ये मेरी मोइज है, अभी आलम है साफ होना, बाकी वो डैडा लेटे हुए हैं, वो ऐसे हुए देर तक क्या रुको। और ये मेरे बड़े पापा ने सब जो गंदगी फैला के रखी उसे भी साफ करनी है अभी, और वो इसको एक तकिया देनी है। साढ़े 11 बज रहे और हम लोग घर में लाइट नहीं है, दोनों मेरे भाई लोग पंखा होते हैं बैठे पागल है। नहीं, मच्छर काट रहे हैं, परेशान मच्छर काट रहे हैं। हमको डर गर्मी से नहीं लग रहा है, मच्छरों से लग रहा है। हाँ, सही बात है। और यहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं है, अंधेरा घपुआ है, हम लोग की बिल्ली पता नहीं कहाँ घूम रही है, आधा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। और अब देखते हैं कब तक लाइट आएगी, जब तक हम लोग ऐसे जगे रहेंगे। पूरा का पूरा माहौल लॉस हो चुका है, बाहर घमासान अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है। ये हमारा D2 है हमारे गांव के घर में, और मोइज़ जो अलमारी होती है ना, उस अलमारी में सो रही है, पूरी रात वो यहीं सोई थी। यहाँ पर हमने अपनी सुबह की चाय चढ़ा दी है और अब मम्मा सब जो हम लोगों ने घर से अपना राशन ले गए थे वो खाली कर रहे हैं, एक एक सामान। अब हम फटाक से नाश्ता करते हैं। और कल रात में लाइट चली गई थी और बहुत लेट लाइट आई थी और हम लोग अब सो के उठे, हालांकि गांव में जल्दी सो के उठते बट हम लोग 8:30 का सो के उठे अपनी नींद पूरी करके। ये
ये रहा हमारे घर के सामने का व्यू। सुबह सुबह मैं चली गई थी छत पर देखने के लिए कि हमारा गाँव दिख कैसा रहा आखिरकार। भाई मैं तो 3 साल बाद गाँव गई थी, पूरा काया पलट हो चुकी थी। इस तरफ से भी घर बन चुके थे, उस तरफ से भी घर बन चुके थे, और ये मस्जिद है जो हमारी एरिए में लगती है। एंड हाँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं बदला था, बट फिर भी बहुत बहुत सारे डिफरेंस दिख रहे थे मुझे, पता नहीं क्यों। एंड ये हमारे जो आंगन होता है ना, वहाँ से मैं नीचे की तरफ का दिखा रही हूँ हमारे घर का। हमारा घर भी बहुत बड़ा सा है, ऐसा लगता है कि मस्त भूल रही है। और यहाँ दादी जा रहे बाहर सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब्ज़ी वाले से बाहर ही आ जाते हैं, तो बस वहीं पर ख़रीद लेते हैं, ज़्यादा मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कन्वीनियंट है, घर में रहो, सब चीज़ आती है रोड पे, अपने घर से डोर ओपन करो, ले लो, आ जाओ, खा लो, बना लो, सोते पड़े रहो। सुकून की एंड मज़ा नहीं लाइफ है गांव में। और जब मुंबई में आओ तो पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ऐसे वक्त जाता सकता है कि फ्लो हो गया एकदम से। और ये हमारा नाश्ता बन चुका है, हमारी चाय बन चुकी है खारी, और फिर हमारे नाश्ते का भी वक्त हो चुका है, या फिर ऐसे कह सकते कि लंच का वक्त, बिकॉज़ हम बहुत लेट उठे थे, 8:30 तो हो ही चुका था। ये हमारा लंच हो गया, फिर सब बाहर आ गए, डैडा हुए, समझा, मामा, हम सब बाहर की तरफ आ गए। और बस हम फिर कहीं तो गए थे और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि हम एग्जैक्टली कहाँ गए थे। एंड ये हमारा day 3 शुरू हो चुका है। सुबह सुबह हम मामू जान के घर से उठकर आ चुके थे, बिकॉज़ रात में बहुत गर्मी थी तो हम वहीं सोने गए थे। एंड इतनी खूबसूरत सी मॉर्निंग, इतने प्यारे से क्लाउड्स, ठंडी ठंडी हवाएं, हर जगह ग्रीनरी और इतना अच्छा सा माहौल। फिर हम आ गए थे वापस चाय बनाने घर में, अंडा उबाले, नाश्ता बनाया गया, और प्लीज़ इग्नोर द मेस बिहाइंड। अरे यार, हम लोग का गांव का घर है वो ऐसे ही रहता है, सबका ऐसे ही रहता है, हम नहीं रहते वहाँ पर तो सबका घर ऐसे ही होता है, बट ऑब्वियस हमारा भी ऐसे ही है। सो हम अपना नाश्ता बना रहे थे, देन हमने सबको नाश्ता दिया, और गांव का फेमस नाश्ता चाय और रात की बची हुई नान, यहाँ पे सब बड़े लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और फिर हमने बनाई रोटी भाजी, जिसके लिए मेरी मोइज़ा खेल रही है भाजी से, और मोइज़ा के तो पे बहुत ज़्यादा मज़े हो गए थे। इतने बड़े से घर में ऊपर नीचे यहाँ वहाँ सब जगह घूम रही थी, खेल रही थी, और वो 10 दिनों में इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई, बड़ी बड़ी सी दिखने लगी, छोटा बेबी दिख रही थी और एकदम बड़ी सी हो गई अचानक से। एंड देन हम चले गए थे मोई मुबारक की ज़ियारत के लिए, जो मेरे बड़े पापा ऑर्गेनाइज़ करते हैं तकरीबन हर साल, तो बस हम वहाँ गए थे। तो आप आगे की वीडियो देखिए वो, बट ऑब्वियस मैंने ज़ियारत का नहीं दिखाया है, बट हाँ मैंने मेला यहाँ का जो था वो कवर किया है कि हमारे गांव में मेला कैसे लगता है। तो हमारे गांव में हर तरफ चाट और नूडल्स, लाइक चाउमीन, बर्गर जो वहाँ का होता है ऑथेंटिक वाला, वो बिकते रहता है, आइसक्रीम बिकते रहती है, और सब बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं। और मुँह मुबारक की ज़ियारत ही, तो वहाँ पे खाने में नान गोश्त, हमारे यहाँ का देसी खाना नान गोश्त, और ये कोक, मैं बताऊँ एग्जैक्टली कोक का रेप्लिका था, अगर कोक को कोई रिप्लेस कर सकते तो वो ये कोक है, वो जो अंकल लोग बना के बेच रहे थे, इतना यमी एंड टेस्टी था। एंड देन ये वहाँ पे काबा शरीफ बना के ऐसे रखा हुआ था, एंड देन कुरान शरीफ और मदीना शरीफ, तो ये सब भी वहाँ पे था जो मैंने शूट कर लिया। और ये सब मैं अपने गांव की बातें कर रही हूँ, मुंबई नहीं है, ये हमारा गांव है। और वहाँ पे फिर तोप भी चल रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, एंड मैं फ़र्स्ट टाइम मेला विज़िट करी थी, वरना हम लोग मेले में नहीं जाते। सो दिस वॉज़ माई फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेले का, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। वहाँ पर इतनी मज़ा आई थी, इतने सारे लोग थे और एकदम अच्छा सा माहौल बन गया था। देखो देखो, जब ये जब तक ये फूटेगा ना, तब तक मैं बंद कर दूँगी शूटिंग करना, एंड उसके बाद फूटेगा, और फिर वो एकदम कान के पास फूटा था, ये बहुत ज़ोर से मेरे कानों में आवाज़ आ गई थी इसकी, फूट जा, अरे फूट जा, नहीं फूटेगा। अब मैं वेट कर रही थी कब से कि अब इन लोगों का ये होगा होगा होगा, बट आई डोंट थिंक सो हुआ था, अगर शूट हुआ रहेगा तो पता नहीं। हाँ देखो, हल्का हल्का सा धुआँ आ रहा था और बस ख़त्म।